तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ व्हाट्सअप का एक कमाल का फीचर, या बोल सकते हैं कमाल का जो फीचर अभी रोल आउट होने वाला है या एड ऑन होने वाला है व्हाट्सअप के अंदर, उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत ही कमाल का और बहुत ही यूनिक है। मेरे ख्याल से ये वाला जो फीचर है कोई भी किसी भी जो नॉर्मल ऐप होती है उसमें अभी एड ऑन नहीं किया गया है। दोस्तों, इस जो फीचर का नाम है व्हाट्सअप चैनल। तो चैनल यार, चैनल तो क्या होता है, चैनल आपको पता होगा यूट्यूब पे चैनल होते हैं और फेसबुक के चैनल, जो कि फेसबुक के अगर जो पेज बन जाता है वो भी एक चैनल हो जाता है। इंस्टाग्राम पे भी लोग चैनल होते हैं जो कि रील्स अपलोड करते हैं या कोई कोई भी उनकी जो भी थीम है वो डालते हैं, उसको भी एक चैनल कह सकते हैं। तो जहाँ भी पब्लिकली किसी चीज़ को अनाउंस किया जाता है, पब्लिकली कोई सर्विस दी जाती है वीडियो के थ्रू, उसको एक चैनल अपन कह सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ व्हाट्सअप में अभी रिलीज़ होने वाला है व्हाट्सअप चैनल नाम से। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर क्या मिल रहा है। सबसे पहले कम्युनिटी, उसके बाद नॉर्मल जो प्रोफाइल आती थी वो मिल रहा है, उसके बगल में जो स्टेटस वाला जो ऑप्शन था वो वहां से हटा दिया गया है। अब वहां पर आपको क्या दिखेगा, अपडेट वाला ऑप्शन, और उसके बगल में आपको वापस कॉल वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो ये आपको अभी दिखने वाला है आने वाले टाइम पे, कुछ टाइम बाद रोल आउट होने वाला है। फिलहाल ये डेवलपिंग मोड पे है और बीटा यूजर के लिए भी नहीं आया है। दोस्तों, यहाँ पर क्या होने वाला है कि व्हाट्सअप चैनल, चैनल क्या होगा, आप यहाँ पर अपना एक यूज़र नेम क्रिएट कर पाएंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा एक बगल वाला स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा है। वहाँ पर मान लो मेरा ये एक चैनल है, जैसे मेरा ये एसे टैग चैनल है, तो मैंने वहाँ पर जाके अपना एक चैनल क्रिएट किया है एसे टैग नाम से, और वहाँ पर मैं जो अपलोड करूँगा या फिर जो भी चीज़ वहाँ पर डालूंगा, लाइक हो सकता है URL पेस्ट हो या वीडियो पेस्ट हो, तो आने के बाद पता चलेगा। और वो जब मैं वहाँ पर अप डालूंगा तो उसको कोई भी देख सकता है पब्लिकली, व्हाट्सअप के अंदर जाके सिर्फ मेरे चैनल का जो नाम है वो डाल के वहाँ पर चेक कर सकता है। ना ही उसको मेरी प्रोफाइल पिक दिखेगी, ना ही उसको मेरा स्टेटस दिखेंगे जो कि नॉर्मल डले होते हैं, ना ही उसको मेरा नंबर शो होगा, सिर्फ उसको जो कि मेरे चैनल के अंदर होगा सिर्फ वही उसको वहाँ पर विजिबल होगा। तो ये वाली कमाल की बात है, मतलब कि यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, एक सोशल हो जाएगा। व्हाट्सअप को आप एक सोशली यूज़ कर सकते हैं। पहले क्या होता है, व्हाट्सअप को हम उन्हीं लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जिनके हमारे पास नंबर है, या फिर हमारा नंबर जिनके पास है हम उनके थ्रू ही कनेक्ट हो सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, हमारे पास किसी का नंबर हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, वो आपके नाम, आपका जो भी नाम है उससे वहाँ पर व्हाट्सअप पे, जैसा कि आप देख रहे होंगे नीचे स्टेटस को चैनल के नीचे सर्च का ऑप्शन दिया गया, वो सर्च करेगा और वो वहाँ पर आपको फाइंड आउट कर सकता है। तो सबसे पहला फ़ायदा ये है, इससे आप अपनी पब्लिसिटी और इंक्रीज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपका कोई इंस्टाग्राम पर चैनल है या फेसबुक पर है, या फिर अगर आप यूट्यूब पर चैनल है, तो आप उसको अच्छे से उसको कस्टमाइज़ करके और अच्छे से उसकी ब्रांडिंग या पब्लिसिटी कर सकते हैं। तो उस तरीके से बहुत अच्छा काम का ही वाला फीचर रहने वाला है। आने वाले टाइम पे पता चलेगा कि इसमें वीडियो भी अपलोड होती है या नहीं होती। फिलहाल उन्होंने कहा है कि ये एंड टू एंड इनक्रप्टेड रहने वाला है। एंड टू एंड इनक्रप्टेड मतलब कि, सॉरी, उन्होंने ये कहा है कि ये एंड टू एंड इनक्रप्टेड नहीं होगा, मतलब कि एंड टू एंड इनक्रप्टेड नहीं होगा तो सेफली नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेफ रहेगा बट एंड टू एंड इनक्रप्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि पब्लिकली रहेगा तो बहुत सारे लोग इसको देखेंगे, तो कैसे उसको एंड टू एंड इनक्रप्टेड कर पा जाएंगे, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए वो एंड टू एंड इनक्रप्टेड नहीं रहने वाला, नॉर्मल रहने वाला, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। पर ऐसा नहीं कि आपका डेटा इधर से उधर हो जाए, बेक चांसेस कम है, बट फिर भी उन्होंने पहले क्लियर कर दिया कि एंड टू एंड इनक्रप्टेड नहीं होगा। और सबसे मजे की बात यह है कि जो कि स्टेटस वाला ऑप्शन था, आप देख रहे होंगे मैं अपने नॉर्मल अभी व्हाट्सअप का स्टेटस दिखा रहा हूँ, वहाँ पर हमें मिलता है कम्युनिटी का ऑप्शन, फिर नॉर्मल हमारी जो चैट्स होती हैं वो दिखती है, उसके बगल में स्टेटस और उसके बगल में कॉल दिखता है। और जो स्टेटस वाला ऑप्शन है ना, वो वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, उसकी जगह अपडेट वाला सेक्शन आ जाएगा। उस अपडेट के अंदर आपको एक सेपरेट नीचे स्टेटस का सबसे पहले ऑप्शन मिलेगा, जो कि आप देख रहे होंगे ये जो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ वो स्टेटस में आपको दिख रहे होंगे, वो स्टेटस हो गया। उसके नीचे आपको व्हाट्सअप चैनल का ऑप्शन मिलेगा। ये फिलहाल अभी टेस्टिंग वर्जन पे चल रहा है, जो कि खुद व्हाट्सअप यूज़र ही टेस्टिंग कर रहे हैं, या बोल सकते हैं व्हाट्सअप के जो ओरिजिनल डेवलपर है वही चेक कर रहे हैं। उसके बाद ये बीटा टेस्टर के रोल आउट करेंगे, उसके बाद फिर सबके लिए रोल आउट कर दिया जाएगा। तो कॉन्सेप्ट तो एक बहुत ही अच्छा यूनिक सा कॉन्सेप्ट लग रहा है व्हाट्सअप चैनल का, जिससे क्या हो सकता है कि हम जो भी चीज़ हो सकता है आने वाले टाइम पे, हम जैसे आपको बता होगा व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों एक ही जाने के पास है और एक ही जगह से एक्सेस होता है। आने वाले टाइम पे हो सकता है कि हम व्हाट्सअप पे जो चीज़ अपलोड करें वो ऑटोमेटिक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड हो जाए, या हम जो हम इंस्टाग्राम पे डालें वो व्हाट्सअप के चैनल पे भी चले जाए और फेसबुक पे भी अपलोड हो जाए, जैसा कि अभी होता है। अगर आप इंस्टाग्राम में कोई रील अपलोड करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके फेसबुक अकाउंट पे भी सब्सक्राइबेशन हो जाती है, बोल सकते हैं अपलोड हो जाती है।
ये आने वाले टाइम पे पता चलेगा कैसे ये वर्क करेगा और कैसे कनेक्टिविटी देगा। फिलहाल इसका मेन यूज यही है कि व्हाट्सअप चैनल नाम से नया फीचर रोल आउट किया जाएगा, जिसके अंदर आप अपना खुद का एक चैनल क्रिएट कर सकते हैं, जिसको आप कोई भी अपना नाम से या बोल सकते हैं हैंडल, जो कि अभी यूट्यूब ने भी निकाला था, हैंडल क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कोई भी आपको ईजिली फाइंड कर पाएगा और जो भी वहाँ पर डालेंगे वो टोटल पूरी तरह से पब्लिक भी रहेगा, एंड टू एंड इनक्रिप्टेड नहीं रहेगा। ये सब चीज़ें उन्होंने भी बताई हैं। जैसे ही ये फीचर लॉन्च होगा उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और भाई मैंने इस वीडियो पे कम से कम 50 लाइक रखे यार, भाई प्लीज़ 50 लाइक तो कर देना, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया यार ये तो पहले कर लिया करो भाई, इसको तो बिना बोले ही आप लोगों को करना चाहिए। और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो थैंक यू। और